हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर शुभचिंतक। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है इल्यूमिनाटी। लेट्स बिगिन। इल्यूमिनाटी डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड इल्यूमिनेटस से, जिसका मतलब होता है उजागर करना, एनलाइटन करना। और यही एम के साथ इस सोसाइटी को बनाया था एडम बिशप ने May 1, 1776 में जर्मनी के बेवेरिया स्टेट में, जिसका मकसद था पूरी दुनिया में साइंस को एनलाइटन करना और लोगों को समझाना कि हर चीज़ के पीछे का साइंस क्या होता है। इससे हुआ ये कि धीरे धीरे ये सोसाइटी बढ़ने लगी और लोगों में नॉलेज बढ़ने लगा था, जिसके चलते वहाँ के राजा को अपनी राजगादी खतरे में दिखाई देने लगी थी और उसने तुरंत ये ऑर्गेनाइजेशन में बैन लगा दिया। कुछ फिलोसोफर्स की माने तो इस सोसाइटी में एनरोल दुनिया के महान साइंटिस्ट जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, और जब इस पर बैन लगाया गया तब ये लोग अंडरग्राउंड होकर अपने मोटो पर काम करते थे। बात करें पिछले 300 सालों की, तो आज इस सोसाइटी का पूरा मोटो चेंज हो गया है। अब ये लोग शैतान की पूजा करते हैं और आज सारे इल्यूमिनाटी मेंबर्स ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। अब इल्यूमिनाटी को जायोनिस्ट फैमिलीज की 13 ब्लड लाइन्स चलाती है और आज इन लोगों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम की है। ये लोग आज दुनिया की सारी बैंकिंग सिस्टम, गवर्नमेंट्स, मीडिया, एजुकेशन, मेडिसिन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और यहाँ तक कि हम जिस फूड को खाते हैं उससे भी कंट्रोल करते हैं। इन्हीं लोगों ने पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम को लागू किया है और इनके पास कंट्रोल है पूरी दुनिया के पैसों का और गोल्ड रिजर्व्स का। आज दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, एथलीट्स और कई हाई पावर लोग इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं। ये लोगों की बलि शैतान को चढ़ाते हैं और इनके रस्मों में फिजिकल एब्यूज, ब्लड ड्रिंकिंग, मेंटल टॉर्चर जैसे रीति रिवाज शामिल है, और ऐसी ही रीति रिवाज को रेगुलरली करने से इनमें इंसानियत के प्रति एक अंश बाकी नहीं रहता। कहा जाता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज जैसे कि वर्ल्ड वॉर्स, 9/11 का हमला और इकोनॉमिक क्राइसिस में इन्हीं का हाथ होता है, और ये लोगों को सबलिमिनली ये सब कार्टून्स और मूवीज के जरिए बताते हैं ताकि लोगों का विश्वास खुदा पर से उठ जाए और उन्हें लगने लगे कि शैतान ही उनका खुदा है। बात करें इनके फेमस सिंबल्स की, तो उसमें इंक्लूड है आइस इन द पिरामिड, जिसमें आँख शैतान की आँखों को दर्शाती है और ये भी बताती है कि वो सब देख रहा है। ये सिंबल US के $1 bill पर भी प्रिंट किया गया है। इनका अगला सिंबल उल्लू को दर्शाता है और ये लोग उल्लू को अपना होली बर्ड मानते हैं, क्योंकि उल्लू अंधेरे में वो सब देख सकता है जो आम इंसान नहीं देख सकता। कितनी ही ऐसी बड़ी सेलिब्रिटीज है जिन्होंने इन लोगों को एक्सपोज करने की कोशिश की और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, जैसे कि माइकल जैक्सन, ट्यूपैक, मैरिलिन मोनरॉय और भी कई फेमस पर्सनालिटीज जो पहले ही इनके पपेट्स रह चुके हैं। अब इनका एम दुनिया में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट और वन गॉड को लाना है, जो आता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अगले एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने थॉट्स को बताना कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब भी कर देना। मैं हूँ योर शुभचिंतक, मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।